दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का आधार ई साइन कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आप जेरोक्स कॉपी कहीं पर भी देते हैं तो उस पर आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। बिना सिग्नेचर के सामने वाला आपके डॉक्यूमेंट को नहीं लेता, लेकिन अगर आप दोस्तों उस डॉक्यूमेंट का आधार ई साइन कंप्लीट किए रहोगे तो आपको सिग्नेचर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का आधार ई साइन कंप्लीट करोगे, यानी कि आधार ई साइन कंप्लीट करने पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी अपने डॉक्यूमेंट का आधार ई साइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों आधार ई साइन प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। यहां पर आने के बाद आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना अकाउंट यहाँ पर बनाना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड पर दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना है आधार कार्ड वाला। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, पिन क्रिएट कर लेना है, ईमेल आईडी और आधार नंबर, ये सब चीज़ें आपको डाल लेना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट बनने के बाद आपको साइन इन करना है, जिसके लिए आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर या मोबाइल नंबर डाल दो। उसके बाद जो पिन सेट किया है वो आपको यहाँ पर डालना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आधार ई साइन प्रमाणित करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हैं, अब आप जिस भी डॉक्यूमेंट का आधार ई साइन पूरा करना चाहते हैं या फिर प्रमाणित करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप जो भी डॉक्यूमेंट का करना चाहते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। हमने दोस्तों यहाँ पर अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसे अपलोड कर लिया है। मैं यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। इसका दोस्तों अभी तक आधार ई साइन प्रमाणित नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसे मैं आपके सामने ही करने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है इस समय नॉर्मल वोटर आईडी कार्ड है। इसका हम जो ई साइन है ये आपके सामने पूरा करेंगे एंड सेम उसी तरह आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड या फिर किसी भी दस्तावेज का आधार ई साइन कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसके सामने ही दोस्तों आपको ई साइन देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं ये दोस्तों ये ई साइन है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर देखेंगे तो हस्ताक्षर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि सिग्नेचर। यहाँ पर आप अपने आधार नंबर, वर्चुअल आईडी और यू आईडी नंबर से दोस्तों यहाँ पर जो आधार ई साइन है उसे पूरा कर सकते हैं। तो हम अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, इस प्रकार से आधार नंबर डालना है। उसके बाद ये टी ओ टी पी पे सेट होगा, तो इसे आपको आधार ओ टी पी पर सेट कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद गेट ओ टी पी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर दोस्तों एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो हम अपना ओटीपी यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कंसेंट है इसे आपको एग्री कर लेना है इस प्रकार से। अगर आप चाहें ये जो कंसेंट है इसे आप सुन भी सकते हैं, ठीक है, सुनने के लिए आप हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में यहाँ पर सुन सकते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसे सुन के अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसे सबमिट करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों आपका जो आधार ई साइन है ये पूरा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा जो आधार ई साइन है ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों जो सामने ई साइन लिखा हुआ आ रहा था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है, हट चुका है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट का ई साइन हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अपने डॉक्यूमेंट को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया है। अब इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए ये दोस्तों हमारा जो ई साइन है कुछ इस प्रकार से पूरा हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटली साइन बाय, यहाँ पर हमारा पूरा नाम, डेट और टाइमिंग सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब दोस्तों हमें अलग से सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली इसका जेरोक्स कॉपी या फिर प्रिंटआउट निकाल के कहीं पर भी दे सकते हैं, क्योंकि डिजिटली दोस्तों हमने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का जो आधार ई साइन प्रमाणित है उसे कर सकते हैं। यह काफ़ी आसान प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया।
आप चाहे अपने वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई भी दस्तावेज है जिसका भी आप आधार ई साइन करना चाहें उससे आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद उसके सामने ई साइन लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड के जरिए आसानी से अपना जो ई साइन है उसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यह काफ़ी इजी प्रोसेस था, डिजी लॉकर से अब आप अपने आधार ई साइन को पूरा कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियोज़ देखने को मिल जाती है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।